हेलो फ्रेंड्स, वंदनास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिंगो क्रिप्सी पोटैटो स्नैक। ये बहुत क्रिप्सी और चटपटा है, चलिए इसे बनाते हैं। YouTube का ये डाटा हमें ये बता रहा है कि हमारी वीडियो देखने वाले 98.6% लोग सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, इसलिए आप हमें सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें ताकि और वीडियो लाने का प्रोत्साहन मिलेगा। सबसे पहले उबले हुए आलू लेंगे, ये 500 ग्राम है। और इसको मैश करने के लिए कांटे वाली चम्मच की सहायता से इसे हम मैश करेंगे। ये मैश हो गया है तो इसमें रोस्ट किया हुआ मसाले डालेंगे। ये मिक्स मसाला है, इसमें धनिया, जीरा, मरीच और सूखा मर्चा जिसको रोस्ट करके पीस लिए हैं। इसमें स्वादानुसार नमक और एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। उसके बाद से आधे चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। फिर स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और हरा मिर्चा उसको छोटा छोटा काट के डाल देंगे और इसको अच्छे से मैश करके रख देंगे। ये मैश हो चुका है। अब चलिए इसका घोल तैयार करते हैं। सब घोल तैयार करने के पहले मैगी का पैकेट लेंगे और पैकेट में ही मैगी को चूरा बना लेंगे। आप मैगी के जगह पर कोई भी नूडल्स ले सकती हैं। ये चूरा हो गया है, हम इसमें छोटे वाले दो पैकेट यूज करेंगे। अब मैगी का जो मसाला होता है उसको एक बाउल में डाल देंगे और बाउल में डालने के बाद से इसमें दो बड़े चम्मच बेसन लेंगे और इसको मैगी मसाला मिक्स करके और इसमें पानी डाल के इसका घोल तैयार करेंगे। घोल ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, जैसे पकौड़े के लिए घोल तैयार किया जाता है वैसे इसका घोल तैयार करना है। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और हाथ में तेल लगा करके, आप कोई भी ऑयल लगा करके और इसके आधे मिश्रण को लेकर के इसको लम्बा करेंगे। और इसकी ना ज़्यादा मोटा रखना है और ना ज़्यादा पतला, और इसको अपने मन चाहे अनुसार में इसका शेप आप दे सकती हैं। आप चाहें तो इसे गोल में भी बना सकती हैं, आप चाहें तो जैसे आलू चाप बनता है वैसे भी कर सकती हैं। तो हमने इसे तिकोना आकार दिया है, ट्रेंगल शेप में। ये बच्चों को बहुत भाएगा तो हमने ऐसे इसका ट्रेंगल शेप दिया है। तो इसे भी करने के बाद जो शेष मिश्रण बचा है उसे भी हम ऐसे ही कट करके रख लेंगे। तो जब इसको ट्रेंगल शेप दे करके रख लेंगे उसके बाद से हमने गैस पर एक पैन में ऑयल डाल करके रख दिया है, वो गर्म हो रहा है। तो अब चलते हैं इसको आगे की प्रोसेस में। घोल में ट्रेंगल को डाल करके डिप करके उसके बाद इसको मैगी में कोट कर देंगे। मैगी में कोट करने के बाद से इसको थोड़ा दबा दबा देंगे ताकि मैगी उसमें चिपक जाए, अच्छे से कोट हो जाए। और उसके बाद से जब तेल पूरा गर्म हो जाता है तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे और उसमें एक एक करके ट्रेंगल को डालते जाएंगे। सारे ट्रेंगल को ऐसे ही प्रोसेस करना है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें और इसका स्वाद लीजिए, ये बहुत चटपटा है। और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। अगर इसका गैस का फ्लेम
मीडियम और हाई कर देंगे तो मैगी जल जाएगा और खाने में इसका स्वाद अजीब हो जाएगा, तो इसलिए इसको लो ही फ्लेम पे इसको तलना है। और लो फ्लेम पर तलने से ये बहुत क्रिस्पी और चटपटा बनेगा और इसको सुनहरा होने तक इसे तलना है। इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब इसे हम पैन से निकाल लेंगे और ऐसे ही सारे ट्रायंगल को हम तल लेंगे। चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं। और जो थे उन सबको तल लेंगे। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव बनारस किचन पे शेयर करें। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसका आनंद लें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अपने अनुभव जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।